If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद आरिफ, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ करिकुलम 2020-21 फॉर क्लास 11 एंड द सब्जेक्ट इज इंग्लिश कोर। इंग्लिश कोर जो आपका सब्जेक्ट है उसका क्लास 11 का जो रिवाइज्ड सिलेबस CBSE ने रिलीज किया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं और नया एक जो है आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है रिलीज किया गया है, उसको बड़े ध्यान से देखने और समझने की जरूरत होती है। बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा होता है वो है अनसीन पैसेज फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। एक अनसीन पैसेज होगा जो इससे पहले आपके सिलेबस में कभी नहीं रहा होगा और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पैसेज आप कभी आपकी नज़रों से गुजरा ही ना हो। अपठित जिसको हिंदी के अंदर बोल दिया जाता है, जो कभी पढ़ा नहीं गया, अनसीन पैसेज, उसी पे बेस करके क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने होते हैं। उसमें MCQs होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिर अनसीन पैसेज होगा, लेकिन इस बार जो हमारा पैसेज होगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। उसमें फैक्ट्स होंगे और किसी एक केस को लेके, पार्टिकुलर केस को लेकर के एक जो है एनालाइज किया गया होगा उसको, और उसी पे बेस करके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 गैप फिलिंग, ये ग्रामर का हमारा क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपने किए हैं, क्लास 9th में किए हैं, 10th में किए हैं और जूनियर क्लासेस में भी किए हैं। गैप फिलिंग, वहाँ पे डिटरमाइनर्स और टेंसेस दो आइटम्स यहाँ पे रखे गए हैं, दो टॉपिक्स हैं, डिटरमाइनर्स है और टेंसेस है, इसी पे बहस करके आपको गैप फिलिंग आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 रीऑर्डरिंग, यू नो इट वेरी वेल कि जम्बल करके वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं और उन वर्ड्स को सीक्वेंस में रख के आपको एक सेंटेंस, एक सेंसफुल सेंटेंस बनाना होता है। सेंटेंस जिसकी कंप्लीट सेंस होती है वही सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस आपको फॉर्म करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को, एक सेंटेंस को चेंजेस किए जाते हैं, उसके अंदर फॉर्म को उसकी चेंज कर दिया जाता है लेकिन उसकी सेंस को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। किसी सेंटेंस की सेंस को डिस्टर्ब किए बिना उसको दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री हॉर्नबिल 1 out of 2। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आपके पास होगा, दो एक्सट्रैक्ट होंगे, दो प्रोज पीस आपके पास होंगे जो हॉर्नबिल में से होंगे और उनमें से कोई एक आपको करना होगा। वही प्रोज पीस देने के बाद उस पर, उसी पे बेस करके कुछ क्वेश्चन नीचे दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज बोथ बुक्स 2 out of 3। अब दोनों बुक्स से आपको 3 पैसेजेस दिए जाएंगे, 3 पैसेजेस देने के बाद उनमें से कोई 2 आपको करने के लिए कहे जाएंगे और ये दोनों बुक्स में से होंगे। ये आपके हॉर्नबिल में से भी होगा और ये आपके स्नैपशॉट्स में से भी होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट बेस्ड MCQs 5 out of 6। दोनों बुक्स में से जो टेक्स्ट है दी गई है उस टेक्स्ट पे बेस करते हुए 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 करने होंगे और ये सभी के सभी MCQs टाइप होंगे। ट्रू फॉल्स गैप फिलिंग, यानी इसमें आपको चॉइस रहती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू पार्ट बी और पार्ट बी के अंदर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। दिस इज न्यू थिंग फॉर यू डियर चिल्ड्रेन, यू आर नाउ इन क्लास 11, बिफोर इट यू डिडंट डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। समराइजेशन और नोट मेकिंग ये एक नई चीज़ है आपके लिए, तो इस पर एक बेस करके क्वेश्चन होता है। इस पर एक पैसेज आता है, पूरा लंबा चौड़ा एक पैसेज होता है, उस पैसेज पे आपको कहा जाता है कि इस पर आप नोट्स बनाइए। जैसे यूजुअली आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में रफ नोट्स बनाए होंगे, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर आपको जो है एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है, एक फॉर्मेशन के अंदर आपको जो है, एक मेथड है उसके अंदर आपको नोट्स बनाने होते हैं और उसकी समरी को लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है।
Now we move to question number 2 and short, that is short composition. Short composition में notice आता है, short composition में message आता है, short composition में advertisements आते हैं, short composition में invitation आता है, reply आता है, poster making आता है. तो यहाँ short composition में आपके पास क्या है, notice, question number 2 part B का, जहाँ दो होंगे और उनमें आपके पास choice होगी, उनमें से कोई एक आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट कंपोजिशन अगेन, फिर एक पोस्टर है जहां आपको दो क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा शॉर्ट कंपोजिशन में, पोस्टर मेकिंग में. क्वेश्चन नंबर 4 पे अब मूव करते हैं. यहां लेटर्स है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, लेटर टू स्कूल और कॉलेज, यानी यहां पे भी आपके पास इंटरनल चॉइस होगी. 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा. वो बिजनेस लेटर जैसे प्लेसिंग एन ऑर्डर, इंक्वायरी, ऑफिशियल लेटर जैसे किसी डीएम को लेटर लिखना या किसी जो है कंप्लेन लेटर लिखना. इसके अलावा लेटर टू स्कूल और कॉलेज, प्रिंसिपल को या मैनेजमेंट को भी कंप्लेन करने के लिए या एडमिशन के रिकॉर्डिंग या कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए लेटर आ सकता है. यहाँ भी आपके पास इंटरनल चॉइस होती है. 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहता है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज लॉन्ग कंपोजिशन, स्पीच और डिबेट. ये लॉन्ग कंपोजिशन में आते हैं, इनकी वर्ड्स लिमिट जो है 200 या 200 प्लस रहती है. स्पीच या डिबेट आपने पहले भी लिखे हैं, डिबेट आपके लिए नया हो सकता है लेकिन स्पीच आपके लिए पुराना वर्ड है. तो स्पीच और डिबेट यहाँ भी इंटरनल चॉइस है. 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कोई एक आपको लिखना होगा. दोनों क्वेश्चन स्पीच हो सकते हैं, दोनों क्वेश्चन डिबेट हो सकते हैं, और एक स्पीच एक डिबेट भी हो सकता है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट इज 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. यहाँ आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से ए अगर हम देखें 2 क्वेश्चन होंगे हॉर्नबिल में से, जहाँ आपके पास इंटरनल चॉइस होगी, उसमें से कोई एक आपको एक का आंसर लिखना होगा. बी 1 out of 2 स्नैपशॉट, इसी तरह स्नैपशॉट्स में से भी 2 क्वेश्चन होंगे, इंटरनल चॉइस आपके पास होगी, उनमें से भी किसी एक का आंसर आपको लिखना होगा. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम स्नैपशॉट्स प्रोज. प्रोज यानी स्नैपशॉट्स में से एक शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ भी आपके पास इंटरनल चॉइस होती है. 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज और पोएट्री हॉर्नबिल. हॉर्नबिल के प्रोज या पोएट्री में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आएगा. यहाँ मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, इंटरनल चॉइस होगी आपके पास, उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं. ये लॉन्ग आंसर टाइप है जिसमें 120 से 150 तक जो है वर्ड्स लिमिट इनकी होती है. क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम स्नैपशॉट, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. और स्नैपशॉट्स में से इसी तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसकी वर्ड लिमिट भी 120 टू 150 रहेगी. अब हम जल्दी से देख लेते हैं डिलीटेड टॉपिक्स कौन से, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिलीटेड टॉपिक्स, क्या चीज़ें डिलीट कर दी हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, 30% रिड्यूस हुआ है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, COVID-19 की वजह से. तो रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाएंगी, इसीलिए डिलीट कर दिया गया है. लेकिन इट इज़ ओनली फॉर 2020-21, ओनली फॉर दिस सेशन, नॉट फॉर एवरी सेशन. सो कीप इट इन द माइंड एंड आई एम टेलिंग यू दैट विच टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड. ग्रामर में अगर हम बात करें, ग्रामर में मॉडल्स को डिलीट कर दिया गया है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन मॉडल्स पे नहीं आएंगे. बी क्लॉजेस, क्लॉजेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको डिलीट कर दिया गया है. चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये वैसे पढ़ने की जरूरत होती है, रिवाइज करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप लॉन्ग कंपोजिशन या शॉर्ट कंपोजिशन करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है, या लेटर आप लिखते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की भी और एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस की भी, तो वहाँ आपको बहुत ज़रूरी है. लेकिन ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. फिर एरर करेक्शन है, एडिटिंग है. एरर करेक्शन में एक पैसेज दे दिया जाता है, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है. और एडिटिंग में उसे एरर करेक्शन कहें या एडिटिंग कहें, एक ही बात है. क्लोज एक होता है, पैसेज होता है, उसको फिल करना होता है. उस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आएंगे. आपको ग्रामर में मैंने आपको बताया गैप फिलिंग, रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे.
नाउ राइटिंग, राइटिंग में देख लेते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। लेटर टू एडिटर बहुत इजी होता है क्लास 9 से, बिफोर 9 से आप लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार इसको यहाँ से डिलीट कर दिया है। और आपके पास लेटर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास बिजनेस ऑफिशियल लेटर टू स्कूल और कॉलेज, ये लेटर्स आपके सिलेबस में रखे गए हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और फिर बात करें आर्टिकल और रिपोर्ट और नैरेटिव, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। आपके पास लॉन्ग कंपोजिशन में सिर्फ स्पीच और डिबेट बचता है। अब लिटरेचर जहां हमारे पास दो बुक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, उसमें से कौन कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है। हॉर्नबिल की अगर हम बात करते हैं तो फादर टू सन एक पोएम है, इसको डिलीट कर दिया गया है। द एडवेंचर एक चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, उसको डिलीट कर दिया गया है। स्नैपशॉट्स की अगर बात करें तो यहाँ द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एक चैप्टर है, इसको डिलीट कर दिया गया है। और एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है द टेल ऑफ मिलान सिटी, ये भी आपको डिलीट कर दी गई है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू से लेके आखिर तक पूरे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको समझा दिया है। और जो चीज़ें जो आइटम्स जो और जो चीज़ें जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कीप वॉचिंग अपैक्स ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। थैंक यू।